नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आतंकवाद और उसके समर्थकों को करारा जवाब देकर, अमेरिका और भारत के रिश्तों की नई बुनियाद रखकर और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी संबंधों के नए अध्याय शुरू करके प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए। 3 दिन के अति व्यस्त यूएस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक राजनीति, कूटनीति और सामरिक रणनीति के कई निशाने एक साथ साधे। कितने अर्थ निकलते हैं उनके इस दौरे से और क्या पड़ेगा उनका असर दुनिया पर, ये सवाल चर्चाओं में। पापा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। Stronger, closer, and tighter, and I think he can benefit the whole world. ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। वर्तमान की चिंताओं को समेटते हुए, अतीत की चिंताओं को पीछे छोड़कर, भविष्य की चिंताओं के समाधान के रास्ते पर चलने के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो गया। पहली नजर में तो जो दौरा मोदी मोदी के नारों से शुरू हुआ था वो मोदी मोदी के नारों के साथ ही खत्म हुआ, लेकिन 3 दिनों के अंदर जो हुआ वो भारत और दुनिया के लिहाज से कूटनीति, रणनीति, राजनीति और विश्व नीति के नए अध्याय का शुभारंभ कहा जा सकता है। ग्लोबल प्लेयर बनाने के साथ साथ आप ग्लोबल लीडर के तरीके से इन विषयों को आपने रखा है। दौरे के 3 दिनों की ये 13 तस्वीरें देखिए। इनमें शामिल हैं उन सारे सवालों के जवाब जो पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले उठ रहे थे। एक राष्ट्र के नाते अमेरिका और भारत के नए रिश्ते बने। All kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer and tighter, and I think it can benefit the whole world. एक रिश्ते के नाते मोदी और बाइडेन दोस्त बने। बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। एक दोस्ती के नाते आपसी चिंताओं पर एक पार्टनरशिप बनी। एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। Of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together. एक पार्टनरशिप के नाते ये तय हुआ कि हम साथ साथ। जब साथ की बात हुई तो भारत ने आतंकवाद पर भी साथ मांगा। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो।
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। जब आतंकवाद की बात हुई तो फिर आतंकवाद और उसका हर समर्थक निशाने पर आया। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है। कहने को तो बस 3 दिन थे अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन उनका असर आने वाली तारीखें आगे कई दिनों तक बताती रहेंगी। कुछ असर दक्षिण एशिया का परिवर्तन बताएगा, कुछ असर आतंक पर दुनिया की नीतियां बताएंगी और कुछ असर समय के साथ इतिहास बताएगा। ये एक तस्वीर कई सवालों का जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। व्हाइट हाउस ने इस बार भी बाहें उठाकर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कुछ नए संबंधों की सकुचाहट तो कुछ कोविड काल का प्रोटोकॉल था जो मुलाकात का पहला पल हर बार की तरह गले लगने तक नहीं पहुंच सका, लेकिन दूसरे ही पल वो सारी हिचकिचाहटें दूर हो गई। बाइडेन ने फिर से बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री मोदी को मित्रता के सूत्र में बंध जाने का निमंत्रण दिया और इस बार वो तस्वीर फिर से दुनिया के सामने आ गई जो कभी ओबामा के समय आई थी, जो कभी ट्रंप के समय आती थी। पीएम मोदी और बाइडेन की यह केमिस्ट्री दोनों देशों के संबंधों का मैथमेटिक्स भी समझा रही थी। बातें दुनिया जहान की होनी थी, लेकिन शुरुआत हुई तो दिल की गिरह खोलकर। Before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name in Mumbai, from Mumbai. Next morning at a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने कपड़ा डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था, तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात मैं लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Are we related? Yes. 2013 में बाइडेन बतौर उपराष्ट्रपति जब भारत आए थे तो उन्होंने बाइडेन सरनेम का सीधा रिश्ता भारत से जोड़ा था। Off script for a second here, I was reminded, I was elected to the United States Senate when I was a 29-year-old kid back in 1972, and one of the first letters I received, and I regret I never followed up on it. Maybe some genealogist in the audience could follow up for me. But I received a letter from a gentleman named Biden, B-I-D-E-N, my name, from Mumbai, asserting that we were related. Seriously. Suggesting that our mutual great-great-great something or other worked for the East India Trading Company back in the 1700s and came to Mumbai. 2021 में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात उन संबंधों का एक्सटेंशन थी जो काफी पुराने हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे तो बाइडेन ने दावत पर बुलाया। And happy
laboratory, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. As we Catholics would say, that's an occasion for sin. We appreciate the fact he has spent so much time with. ये बात बाइडेन ने मोदी के लिए कही थी। साल था 2014। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन उस दौरान मोदी नवरात्र व्रत पर थे। मोदी ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक ग्लास पानी पिया। दोनों नेताओं के बीच ये गर्मजोशी पर्सनल बॉन्डिंग को दिखाती। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. In 2016, when Prime Minister Modi had addressed the American Congress, he didn't even welcome Biden. Mr. Speaker, I am happy to announce that Biden said in an interview in 2006 that my dream is that in 2020, India will be the most close country in the world, and that the world will be more secure. In 2021, there is also a chance, and a law, that the world will be secure from the world's terrorism. और ऐसी स्थिति में बाइडेन भी पावर में हैं और भारत आतंकवाद के खिलाफ सबसे मुखर देश। मोदी बाइडेन केमिस्ट्री की थ्योरी तो ठीक लग रही है, अब प्रैक्टिकल पर नजर रहेगी। बाइडेन जब सेनेटर और विदेश संबंध समिति के चेयरमैन थे, तब उन्होंने भारत के पक्ष में कई प्रस्तावों का समर्थन किया। 2001 में बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेटर लिखकर भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील की थी। भारत पर परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा 2008 में भारत अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील में भी बाइडेन ने अहम रोल निभाया था। प्रधानमंत्री मोदी मन और दिल की बात बाइडेन के सामने स्पष्ट कर चुके। अब बारी बाइडेन की है, वो कैसे दुनिया को सुरक्षित करने के खुद के सपने को पूरा करने के लिए भारत के साथ आगे बढ़ते हैं। का एक अहम पड़ाव उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात थी। ये मुलाकात भी काफी कुछ तय कर गई। तमाम मंचों पर भारत के साथ जिस रिश्ते की कहानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सुनाती रही, प्रधानमंत्री मोदी उसी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर नया रिश्ता जोड़ गए। भावनाओं को भावनाओं से जोड़ा और कमला हैरिस को बचपन की यादें लौटा दी। लकड़ी के फ्रेम में सजाकर कमला हैरिस को उनके दिवंगत नाना की कुछ यादें उपहार में दी। कमला हैरिस बचपन में अपने नाना के बहुत करीब थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन शिल्प में शुमार गुलाबी मीनाकारी के शिल्प का शतरंज भेंट किया, जो काशी की धरोहर। भावनाओं से इतर जब राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की बात आई, तो बात आगे भी बढ़ी और कमला हैरिस ने भारत की चिंताओं के साथ अपनी आवाज मिलाई। When the issue of terrorism came up, the vice president Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. पाकिस्तान के आतंक चरित्र पर अमेरिका की ये टेढ़ी नजर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की हाइलाइट्स में से एक है। ये प्रतीक है इस बात की भी कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पीएम मोदी बेनकाब करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा जब मिले, तो ओबामा ने मुंबई से लेकर पठानकोट तक के आतंकी हमलों में लिप्त आतंकियों पर कार्रवाई करने को पाकिस्तान से कहा था। ट्रंप ने पाकिस्तान से पूरी कड़ाई के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करने को कहा था। अब बाइडेन प्रशासन में पाकिस्तान को आतंकवादियों का संरक्षक देश भी लगभग माना जा चुका है। जल्द ही पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों में घिर सकता है और ऐसी आवाजें पाकिस्तान से ही सुनाई देने लगी हैं। पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ
I'm 40 minutes away from Washington DC. आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका के कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, कितने आपके हाईकोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। कमला हैरिस से बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों में एक दूसरे के योगदान को याद किया गया और आने वाले दिनों में साथ साथ लंबी दूरी तक चलने की प्रतिबद्धताएं दोहराई गई जो रिश्तों की नई और सधी हुई शुरुआत। आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण दे। Mr. Prime Minister, it is my honor to welcome you to the White House and to Washington DC. It is my understanding that this is your first trip outside of South Asia for at least the last 16 months. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected. Excellency, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस समय दक्षिण एशिया तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ चीन की विस्तारवादी नीति ने भारत समेत कई और देशों को प्रभावित किया है, दूसरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खुले दखल के बाद से आतंकवाद का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे में क्वाड की मीटिंग कई अर्थ में काफी अहम थी। ड्रैगन की तिलमिलाहट ऐसी है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पांव नहीं बल्कि गले पर शिकंजा कस दिया। वैसे ये होना ही था क्योंकि जिस क्वाड की बैठक से वो घबराता है वो बैठक इस बार व्हाइट हाउस में हुई और ऐतिहासिक स्तर पर हुई। या वैश्विक सुरक्षा, प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब साथ बैठे तो एक तारीख बनी, क्योंकि 2007 में बने क्वाड संगठन के बाद से ये पहला मौका था जब चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने थे। इससे पहले इस तरह कभी नहीं मिले थे, या तो अलग अलग सदस्य मिलते थे या वर्चुअली जुड़े थे। ये मीटिंग राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर हुई थी, चीन का चिढ़ना तो बनता ही है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के आड़े भारत आ रहा है। पहले तो भारत ने लद्दाख में चीन की चालबाजियों का सटीक जवाब दिया। तनाव अब भी बरकरार है लेकिन भारत चीन के दबाव में बिल्कुल नहीं आ रहा बल्कि लगातार खुद को और मजबूत स्थिति में ला रहा है। अब क्वाड देशों के समूह में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि क्वाड देशों में सिर्फ भारत के साथ ही चीन की जमीनी सीमाएं लगती है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना ने मालाबार युद्धाभ्यास किया। चीन इसको लेकर पहले से बौखलाया था। क्वाड बैठक में भारत ने प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया तो चीन को इसका अर्थ भी समझ जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों का गार्जियन बन चुका है। भारत की चिंता ये भी है ऐसे में क्वाड का सिर्फ एक चर्चा संगठन न रहकर सक्रिय संगठन बन जाना बड़ा संकेत देता है। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।
चीन को अच्छी तरह पता है कि आने वाले दिनों में नेटो की तर्ज पर क्वाड एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में रणनीतिक और शक्तिशाली सामरिक संगठन के तौर पर तैयार हो सकता है। चीन को यह भी अंदाजा है कि भारत क्वाड समूह में सबसे बड़े साझेदार देश के रूप में उभर सकता है। व्हाइट हाउस में हुई क्वाड की ताजा बैठक के बाद चीन का यह डर और बढ़ जाना लाजमी है। आतंकवाद आज के दौर की सबसे भयानक सच्चाई है, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि आतंकवाद को अब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का न सिर्फ खुला समर्थन मिल रहा है, बल्कि ऐसे देश आतंकवादियों की नीतियों को भी तय कर रहे हैं। पहले से चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से पीएम मोदी ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को करारा जवाब दिया। The assembly will hear an address by His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में वैक्सीन, डिप्लोमेसी, अफगानिस्तान संकट पर बात तो हो चुकी थी, लेकिन आतंकवाद पर जिस तरह का कड़ा प्रहार किया जाना था वो अभी बच रहा था। 3 दिवसीय दौरे का आखिरी पड़ाव था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का भाषण। आतंक के आका को करारा जवाब मिला। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। आतंक के विस्तारवादी समर्थक को जवाब मिला। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आतंकवाद पर खामोश रहने वाली महाशक्तियों को जवाब मिला। आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। आतंकवाद और उसके समर्थकों पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार होगा, ये बात तो पहले से चर्चाओं में थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को भी अपनी प्रभावी भूमिकाएं निभानी होंगी। प्रधानमंत्री का ये कहना आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अलार्म बजा गया। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं। बंदूक की नाल पर लोकतांत्रिक रूप से बनी सरकार उखाड़ फेंकी गई और मोस्ट वांटेड आतंकियों के कुंबे ने सत्ता हथिया ली। पाकिस्तान ने पटकथा लिखी, चीन ने डायरेक्शन दिया, आतंकवादियों ने अपनी भूमिका निभाई। तालिबान के मुद्दे पर लगातार मात खा रहा पाकिस्तान अपनी जेब मिटाने के लिए कश्मीर का मुद्दा लेकर आया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर जो बेसुरा राग छेड़ा वो बहुत कर्कश था। पाकिस्तान डिजायर्स पीस विद इंडिया एज विद ऑल इट्स नेबर्स, बट सस्टेनेबल पीस इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Imran Khan ka aarop teekha tha, lekin jo jawab mila wo Pakistan ke pure astitva ko hila gaya. Bharat ne pehli baar POK ka dawa duniya ke samne thok diya. Aane wale din Pakistan ko is lihaz se ab waqai bhari pad sakte hain. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention
from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. पाकिस्तान की आतंकी सूरत अगर प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर थी तो चीन की विस्तारवादी नीति और शक्ति के अहंकार पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में आवाज बुलंद की। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना हो। चीन और पाकिस्तान का षड्यंत्रकारी गठबंधन ये लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उससे आगे का संकेत दे दिया और वो ये है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा में सक्षम। एक बात जो इस दौरे से और निकल कर आई वो ये कि बाइडेन सहित क्वाड देशों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर जोर दिया। चीन को भारत की बढ़ती भूमिका अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अच्छा तो भारत को भी उसका लद्दाख में रवैया नहीं लग रहा। हालांकि पूरे दौरे में पीएम मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। यही इस दौरे की सफलता का एक मानक भी है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएस दौरा अगर भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूती का नया दौर शुरू करने जैसा था तो यही दौरा इसलिए भी याद रखा जाएगा कि यहां से आतंकवाद और विस्तारवाद की नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूत मोर्चा एकजुट हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस शांति और भारत में विकास के नए रास्ते खोलना रहा। अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी समय आराम में नहीं जाने दिया। जब समय मिला तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया जापान के प्रधानमंत्रियों से मिले या भारत में निवेश की संभावनाओं को तलाशा। आइए आपको मिलवाते हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के पांच खास मेहमानों से। ये पांचों अमेरिका के टॉप सीईओज हैं जिनके भारत में निवेश से विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नए पंख लग सकते हैं, यहाँ तक कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकता है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार, अडोबे के सीईओ शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन ग्रुप सीईओ स्टीफन स्वार्जमैन। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, you know, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity, and how media, the ever-changing. General Atomics, nuclear energy aur defense sector mein kaam karti hai. Defense sector mein khas taur par Predator drones banane wali American company. Adobe Bharat ke IT aur digital sector mein nivesh ko badhaye to Bharat ko fayda ho sakta hai. फर्स्ट सोलर बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार करती है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के क्रिस्टियानो से मुलाकात की। मुलाकात के आखिरी चरण में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन के सीईओ से पीएम मोदी मिले। ब्लैकस्टोन दुनिया भर के देशों में पैसा इन्वेस्ट करती। It was an outstanding meeting. I couldn't have asked for anything more. First, I was an honor to have a chance to speak with him. Clearly, with his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy, makes it an ideal opportunity for companies like First Solar to establish manufacturing in India. ये मुलाकातें इतनी अहम नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है इनकी टाइमिंग। चीन के साथ अमेरिकी कंपनियों के संबंध अच्छे नहीं हैं या खींचतान भरे चल रहे हैं।
ऐसे में भारत उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। भारत का बड़ा बाजार और भारत अमेरिका दोस्ताना संबंध निवेश के लिए अच्छी कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। अगर भारत में निवेश आएगा तो आने वाले दिनों में पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान की ये तस्वीरें मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं होंगी। एक तरफ निवेश, दूसरी तरफ चीन को जवाब। चीन, पाकिस्तान और आपसी साझेदारी लगभग हर विषय पर पीएम मोदी की बात राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी हुई। वैश्विक व्यवस्था पर इन बातों और मुलाकातों के दूरगामी परिणाम पड़ना तय है। संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री मोदी करीब 65 घंटे अमेरिका में रहे, जिसमें उन्होंने 20 बैठकें की, 4 लंबी मीटिंग्स उनकी फ्लाइट के अंदर हुई, तो कुल 24 मीटिंग्स के साथ उनका व्यस्त दौरा समाप्त हुआ। लेकिन ये 65 घंटे आने वाले समय का एक बड़ा संकेत दे गए। पहली बार क्वाड बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे को भारत शामिल कराने में कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत की भूमिका इससे और बड़ी हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस की महासभा में शामिल होने के लिए जब कई देशों के शीर्ष नेता अमेरिका में मौजूद थे, तब बाइडेन ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत भेंट की। इस भेंट के कई अर्थ आने वाले दिनों में कूटनीतिक और रणनीतिक विजय के तौर पर दिखते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का असर पाकिस्तान और चीन दोनों में देखने को मिला। साफ है कि चीन पाकिस्तान गठबंधन को झटका लगा। इसी दौरे के बाद से भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन को चित्त कर दिया। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी कंपनी के 1 अरब डोज बनाने पर सहमति बनी है। इससे भारत वैक्सीन के लिहाज से दुनिया के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और चीन का प्रभाव वैश्विक तौर पर खत्म होगा। अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर बोलता है, लेकिन पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रयासों के कारण ही पाकिस्तान को आतंकवादी संरक्षण वाला देश भी अमेरिका खुलकर बोलने लगा है। यानी बीते कम से कम 20 साल में पाकिस्तान ने अमेरिका के नाम पर जो मलाई काटी, उसका कटोरा अब सूख चुका है। तालिबान को हथियार और आतंकी सप्लाई करने के कारण पाकिस्तान दुनिया की नजर में आया और इसके बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अपने चक्रव्यूह में फंस रहा है, जहां से उसे अब तय करना है कि वो अमेरिका के साथ जाना चाहता है या चीन के। फैसला जो भी लेगा उसमें फंसना तय है। अमेरिका ने रिश्तों की सौगात के तौर पर कभी भारत से चोरी या तस्करी करके लाई गई सदियों पुरानी 157 अति दुर्लभ कलाकृतियां पीएम मोदी को लौटा दी। पीएम मोदी, भारत का बेशकीमती खजाना और बहुत सारे धन्यवाद, फिर मिलने के वादों के साथ लौट आए। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।